सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऑफिस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड सिवान में बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत ही कम क्वालिफिकेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका है इस भर्ती में आवेदन करने का। तो आज की इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों के साथ भी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 18 नवंबर 2019 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पर जो पद हैं, मैं पदों की डिटेल्स आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले सफाही वाला के यानी कि सफाई वाला के 13 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसके लिए आपको प्राइमरी स्कूल पास केवल मांगा गया है, जिसमें से जनरल कैटेगरी को 7 और ST कैटेगरी को 6 पद दिए गए हैं। 18 वर्ष मिनिमम और 25 वर्ष मैक्सिमम आयु के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 का यहाँ पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। दूसरा पद है फिटर का, यानी कि वाटर सप्लाई का 1 पद है, जिसके लिए आपको प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड पास विद ट्रेड टेस्ट पास एज फिटर होना चाहिए। केवल जनरल के लिए ही 1 पद निकाला गया है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर यहाँ पर चौकीदार के 2 पद हैं, इसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन यानी कि HSLC यहाँ पर आपको पास होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल। 2 पद हैं केवल UR के लिए ही हैं और 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेवल 1 का यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। फिर है LDA यानी कि लोअर डिवीज़न असिस्टेंट का, यहाँ पर 1 पद है, जिसके लिए भी आपको यहाँ पर HSLC और SSLC का यहाँ पर आपके पास, अगर आपने पास कर रखा है तो UR का 1 पद है। 18 से 25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। लेवल 5 का यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। तो ये 4 पद हैं जिसमें क्वालिफिकेशन और आयु सीमा मैंने आपको क्लियर कर दी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें यहाँ पर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन यानी ऑफिशियल साइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखिए लिंक है। इस लिंक पर www.cvsiligaon.org.in/form-stml यहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको यह नोटिफिकेशन और इसका ऑफलाइन जो फॉर्म है दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको फीस जमा करनी रहेगी, जो कि DD के माध्यम से 100 रुपये की फीस यहाँ पर जमा करनी रहेगी सभी कैंडिडेट को। अगर आप SC ST और OBC हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपये फीस देनी रहेगी। फॉर्म जो आपको साथियों सेंड करना है वो यहाँ पर एड्रेस आप देख पा रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिलिकॉन कंटेंट बोर्ड 13 पिन वॉल एरिया सिलिकॉन, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको ये सेंड करना रहेगा और ये लास्ट डेट है सेंड करने की 19/12/2019। से पहले इस एप्लीकेशन को भरने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर पर अटैच करने के बाद आपको सेंड करने हैं, साथ ही साथ DD भी आपको लगाना है। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आगे की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। सभी चीज़ें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको इसका जो फॉर्म है वो भी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको उसे फिल करना रहेगा। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है जहाँ पर आपको करेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्ट का नाम, यहाँ पर DD की पूरी डिटेल, आपका जो सीरियल नंबर है, पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट, डेट, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपका, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। हाई स्कूल, इंटर डिग्री, मास्टर डिग्री, कोई और डिग्री है तो सभी चीज़ें आपको, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो आप अगर एक्सपीरियंस हैं कोई आपके पास तो वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट, अपने ज़िले का नाम, सिग्नेचर, नेम, सभी चीज़ें यहाँ पर डालनी है और इसके साथ आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें सेल्फ अटैच करने के बाद फ़ोटो लगानी है, DD अटैच करनी है और सभी चीज़ें जो आपको एड्रेस बताया गया है संबंधित डेट से पहले आपको वहाँ पर सेंड करना है। तो इच्छुक उम्मीदवार जो क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कोई जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए।